पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की चिट्ठी हमारी देनदारी का गलत आंकड़ा बताने से मीडिया में शोर हुआ। पीएनबी को चिट्ठी में नीरव मोदी ने लिखा, तलाशी और जब्ती ने हमारी क्षमता को खतरे में डाला। नीरव मोदी ने अपने बचाव में कहा, फायर स्टार इंटरनेशनल और फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल को अपना कारोबार रोकना पड़ा। नीरव मोदी की तलाशी के लिए सीबीआई की कोशिशें तेज, एफबीआई और यूरोपियन एजेंसीज की मदद ली जा रही है। बैंकिंग महाघोटाले में सीबीआई का एक्शन और तेज, सीबीआई ने ब्राडी ब्रांच के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। महाघोटाले में अब तक पीएनबी के 6 अधिकारी गिरफ्तार, सीबीआई ने ब्राडी ब्रांच से 10 कंप्यूटर और 46 फाइलें जब्त की। सीबीआई ने नवी मुंबई, अंधेरी और डोंबिवली में छापेमारी की, लोअर परेल के एक बिजनेस पार्क में भी छापा मारा। गिरफ्तार कर्मचारियों में से एक मनोज खराट के पिता की सफाई का मेरा बेटा बेकसूर है। पीएनबी घोटाले के बाद सीवीसी की एडवाइजरी, 3 साल में बैंक अधिकारियों का ट्रांसफर जरूरी, कोई भी अफसर 5 साल से ज्यादा एक ब्रांच में नहीं रहेगा। इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर विजय दुबे के घर ईडी की टीम पहुंची, बैंक घोटाले को लेकर जांच। पीएनबी घोटाले को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, ट्विटर पर लिखा, ललित मोदी और माल्या के बाद नीरव भी फरार, कहां है देश का चौकीदार। सीबीआई ने विक्रम कोठारी और उसके परिवार से 22 घंटे तक पूछताछ की, किसी की गिरफ्तारी नहीं लेकिन किसी को क्लीन चिट भी नहीं। कोठारी और उनके परिवार को सीबीआई का निर्देश, बिना पूछे विदेश ना जाए। विक्रम कोठारी आज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो सकते हैं, सेटलमेंट प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके 2 संगठनों पर डर से कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान मीडिया में छपी रिपोर्ट। जमात और फलाह इंसानियत पर कार्रवाई से पाक में राजनीतिक संकट खड़ा हो जाता, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट का दावा। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, 3 नागरिक घायल हो गए। एलओसी के पास पुंछ में सेना ने पाकिस्तान की बैट का हमला नाकाम किया, 1 आतंकी को मार गिराया। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सुखोई 30 एमकेआई ने उड़ान भरी, वायुसेना ने नियमित अभ्यास बताया। मैसूर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, पिछली सरकारों ने जनता की आंखों में धूल झोंकी। पीएम मोदी ने सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधा, कहा, जब तक कांग्रेस रहेगी कर्नाटक को बर्बाद करेगी। मैसूर में पीएम मोदी ने जनता से पूछा, कर्नाटक में मिशन वाली सरकार चाहिए या कमीशन वाली। पीएम मोदी ने पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, मैसूर से उदयपुर तक चलेगी ट्रेन। बोलने की आजादी के नाम पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की नसीहत, कहा, हर चीज पर नियम कायदे लागू होते हैं। वेंकैया नायडू ने कहा, देश में 740 यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन सिर्फ 5-7 विश्वविद्यालयों में ही हंगामा होता है। उपराष्ट्रपति ने कहा, कोई बीफ खाना चाहे तो खाए लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल करने की क्या जरूरत है। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक एनए हारिस के बेटे ने सरेंडर किया, रेस्टो में मारपीट के आरोपी हैं मोहम्मद नलपत। भारतीय रंग में रंगे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, बच्चों के साथ गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। पीएम ट्रूडो का परिवार अहमदाबाद भी पहुंचा, जस्टिन ट्रूडो की पत्नी ने गांधी आश्रम में चरखा चलाया। भोपाल में हार्दिक पटेल की जनसभा फ्लॉप हुई, आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रही। मध्य प्रदेश के सीहोर में हार्दिक पटेल का दावा, गुजरात सरकार कभी भी अल्पमत में आ सकती है। रेलवे को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, मुसाफिरों के लिए साफ पानी का इंतजाम करने को कहा। मैसूर से बेंगलुरु जाने वाली कावेरी एक्सप्रेस में दिखे रेल मंत्री पीयूष गोयल, स्लीपर और रनिंग क्लास के लोगों से बातचीत की। बिहार के औरंगाबाद में 3 तलाक के खिलाफ मौन जुलूस, कहा, इस्लाम में 3 तलाक के लिए कोई जगह नहीं। फिल्म वीरे की वेडिंग के गाने को लेकर सपना चौधरी समेत 10 लोगों को नोटिस, गायक विकास कुमार ने ठोका 7 करोड़ का दावा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का आज से अभियान, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ स्पेशल सेल को बड़ी सफलता, 1.5 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की हेरोइन जब्त की गई। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में युवक की बेरहमी से पिटाई, तमाशा देखते रहे लोग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश और एक सिपाही को गोली लगी। घायल बदमाश मुकीम काला गैंग का सदस्य, कुछ दिन पहले बीजेपी नेता से मांगी थी रंगदारी। मेरठ में आरएसएस के समागम के लिए लगे होर्डिंग पर विवाद, होर्डिंग में वाल्मीकि समाज के संतों को अस्पृश्य लिखा।
संघ के होर्डिंग से नाराज वाल्मीकि समाज को मनाने में जुटा संघ। 25 फरवरी को होना है कार्यक्रम। वाल्मीकि समाज के नाराज लोगों ने संघ के होर्डिंग्स फाड़े। दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की। अयोध्या में गौ माता की मूर्ति स्थापित की गई, महिला महंत ने की पहल। जालौन में बोर्ड परीक्षा से बेपरवाह दिखी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर पर भाषण दिया। आगरा में चल रहे ताज महोत्सव में पहुंची यूपी की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, शिल्पियों को प्रोत्साहित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में मराठी समाज ने मनाई शिवाजी जयंती, राज्यपाल और सीएम योगी मौजूद रहे। कन्नौज में हेडमास्टर की शर्मनाक करतूत, छात्रा से छेड़खानी का आरोप, केस दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ में दहेज नहीं मिलने पर दूल्हे का शादी से इनकार, दुल्हन ने थाने में शिकायत कराई। यूपी के शामली में थाने पहुंचा वांटेड अपराधी, कहा मुझे एनकाउंटर से बचा। शामली में बारातियों ने उत्पात किया, छेड़खानी से रोकने पर दुल्हन पक्ष के लोगों को पीटा। यूपी के बागपत में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 7 लोगों को कुचला, एक बच्चे की मौके पर ही मौत, 6 घायल। यूपी के अमेठी में दहेज के लिए महिला की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। यूपी के हापुड़ में नाबालिग को बंधक बनाकर रेप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपी फरार। यूपी के बलरामपुर में बाप ने ही बेटे की हत्या कर दी, बेटी की चाह में दरिंदा बना, पत्नी की भी पिटाई की। मुजफ्फरनगर में लापता इंजीनियर का शव मिला, नाराज गांव वालों ने हंगामा किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक चोरों का गैंग पकड़ा गया, 2 बाइक और 2 स्कूटी बरामद। झारखंड के गुमला में माओवादियों की योजना नाकाम, बम निरोधक दस्ते में एंटी लैंड माइंस को नाकाम किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त, 477 पेटी बियर सहित 2 लोग हिरासत। मध्य प्रदेश के देवास में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी, पुलिस ने केस दर्ज कर 3 युवकों को किया गिरफ्तार। जोधपुर में कार में रखे बैग से नकदी और कागजात की चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पंजाब के फिरोजपुर में शादी के दौरान चली गोली से ऑर्केस्ट्रा वाले की मौत, पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। हरियाणा के यमुनानगर में कारोबारी की बेरहमी से हत्या, पुलिस को रंजिश का शक। पंजाब के फिरोजपुर में नकाबपोश ने एक बच्चे पर तेजाब फेंका, सीसीटीवी से मिली तस्वीरों की जांच कर रही है पुलिस। पटना में बारातियों से भरी बस पलटी, 8 लोगों की मौत, 36 लोग घायल। हादसे के बाद नाराज लोगों ने बस में आग लगाई, शराब पीकर बस चलाने का आरोप। बिहार के बघा में जब्त की गई शराब की पेटियों को नष्ट किया गया, गड्ढों में बहाई गई शराब। बिहार के आरा में पुलिस जवान पर युवक को गोली मारने का आरोप, लोगों ने पुलिस पर उगाही का आरोप लगाया। जमशेदपुर में रेप पीड़ित नाबालिग लड़की के परिवार ने पुलिस से वसूले पैसे, घूस नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी दी। राजस्थान के फलोदी में अज्ञात बैलून गिरा, पुलिस ने बैलून को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सीकर में कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर छात्र की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का कैंडल मार्च, सीपीएम का ज्यादती का आरोप लगाया। हरियाणा के सिरसा में ड्रग्स के धंधे के आरोप में मां बेटा गिरफ्तार, 2.5 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। देहरादून में अनशनकारी मथुरा प्रसाद बमराड़ा का निधन, हरिद्वार में किया गया अंतिम संस्कार। गुजरात के बनासकांठा में सड़क हादसा, जीप ने बाइक सवार परिवार को मारी टक्कर, 3 लोग घायल। यूपी के मथुरा में चढ़ा फागुन का रंग, शरणानंद आश्रम में खेली गई अबीर और फूलों की होली। मथुरा के शरणानंद आश्रम में श्रद्धालुओं के साथ साधु संतों ने भी होली खेली, विदेशों से भी आए थे सैलानी। अयोध्या के राम सेवकपुरम में भगवान राम की मूर्ति बनाने का काम जारी, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है निगरानी। राजस्थान के करौली में अनोखी शादी, वारिस की चाह में 83 साल के दूल्हे ने रचाई 30 साल की लड़की से शादी। फ्लोरिडा शूटिंग के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, बचाव पक्ष की दलील को सार्वजनिक करने से फिलहाल मना किया गया। अमेरिका में फ्लोरिडा शूटिंग का विरोध प्रदर्शन जारी, वॉशिंगटन से लेकर साउथ फ्लोरिडा में विरोध प्रदर्शन। मेक्सिको में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.9 तीव्रता मापी गई, किसी नुकसान की खबर नहीं।
अमेरिका ने फिलीपींस भेजे जंगी जहाज, 4 दिन तक मनीला के पोर्ट पर रहेगा। नेपाल में लोकतंत्र के 68 साल पूरे होने पर जश्न, 1951 में राणा शासन के खत्म होने पर हुई थी लोकतंत्र की शुरुआत। तुर्की के विदेश मंत्री ने सीरिया को धमकी दी, कहा कुर्दिश लड़ाकों को बचाने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका पर जीत का जश्न मनाया, धोनी, विराट, शिखर और रैना नजर आए। कप्तान कोहली ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तारीफ की, भुवनेश्वर कुमार को जीत का क्रेडिट दिया। जीत पर भुवनेश्वर कुमार का बयान, कहा अब शॉर्ट पिच गेंद को आसानी से खेलती है टीम इंडिया। पहले टी20 मैच में धोनी का रिकॉर्ड, टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बने। हर्षल गिब्स पर आर अश्विन का गंभीर आरोप, ट्विटर पर गिब्स को मैच फिक्सर बताया। शाहरुख खान शुरू कर सकते हैं राकेश शर्मा पर बन रही बायोपिक फिल्म, सैल्यूट की शूटिंग पहले आमिर करने वाले थे। फिल्म करण जौहर के साथ फिल्म रणभूमि में काम करेंगे वरुण धवन, 2020 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी फिल्म।